प्लेटफॉर्म पे। बट जो आज हम बात करने वाले हैं बोर के मॉडल के बारे में, बोर का मॉडल। बोर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक नई दिशा दे दी थी, एक नए सारे बहुत सारी बातें उसने बताई थी, बहुत सारा डिस्कवरी बताया था कि भाई एटम्स कैसे होते हैं, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, आखिर इलेक्ट्रॉन के लिए वो शेल कौन सा होता है जिसमें वो रहता है, शेल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, वो सारा कुछ बोर ने बताया था। सबसे अच्छी बात यह है कि बोर का मतलब ये मॉडल जो होता वो एक्चुअली में अपना सबसे बड़ा रिवोल्यूशन मॉडल था। रदरफोर्ड ने तो बता दिया कि न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऑर्बिट्स में होते हैं, बट उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, उनका ट्रांजिशन कैसा होता है, क्या वो कि कैसे कैसे ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं, वो सारा कुछ बोर ने बताया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बोर अपना मॉडल देने से पहले कुछ बेसिक पॉस्टुलेट्स डिफाइन किया था जिसको अपन बोलते हैं बोर्स पॉस्टुलेट। कुछ एजम्पशंस था, वो एजम्पशंस के बारे में अपन एक एक करके बात करें, क्योंकि बोर का एजम्पशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर का मॉडल पढ़ने से पहले अपने को उसके बारे में पता होना चाहिए उसने क्या क्या एजम्पशन माना। पहली बात तो सबसे पहला एजम्पशन जो बोर का था वो देखो क्या लिखा हुआ है, The electron revolves around the nucleus in a circular orbit. यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है सबसे पहला assumption, सबको पता है ये कोई खास बात नहीं है कि न्यूक्लियस अपना सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ओमेगा या किसी स्पीड से चक्कर लगा रहा होता है। सबसे पहला postulate, सबसे पहला assumption बोर्ड का यही था, ठीक है। दूसरा क्या था, द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैन टेक ओनली सम स्पेशल वैल्यू ऑफ रेडियस। यानी कि जो ऑर्बिट्स होते हैं या इसके साइड में इनफाइनाइट्स ऑर्बिट है, इनफाइनाइट्स ऑर्बिट है, कई तरीके कई इनफाइनाइट ऑर्बिट है, बट इलेक्ट्रॉन एक खास तरीके के रेडियस वाले ऑर्बिट में ही पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन एक खास रेडियस वाले ऑर्बिट में ही पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है बताऊंगा, सब बताऊंगा। बोर्ड का ये एजम्पशन था, तो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कंटेन सम स्पेशल वैल्यू ऑफ रेडियस, इन दीज ऑर्बिट्स स्पेशल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मैक्सवेल्स लॉ, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। सुनना क्या, मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला, उसने बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा, मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा तो वो एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा। सुनना मेरी बात, बोलना क्या चाहूँ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी कि तुम सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका नेट एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। भाई यहां भी तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है और सेंटर की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहा होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहा होगा। अब सोचो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या, एक एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक खास वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी से कुछ एनर्जी तुम निकाल ले रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन की अगर तुमने कुछ एनर्जी निकाल ली तो उसकी एनर्जी कम हो गई। अब एनर्जी कम हो गई तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे छोटे रेडियस पे घूमना स्टार्ट करेगा, छोटा रेडियस छोटे होते 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 फाइनली वो न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा, मतलब फाइनली वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन है उसके बाद भी उसकी एनर्जी कम नहीं होती। यानी कि यहाँ पे मैक्सवेल का लॉ ही फेल हो गया, एक्सेलरेटेड चार्ज बॉडी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट ही नहीं कर रही है, वो कांस्टेंट उसी ऑर्बिट में घूम रहा है। यानी कि यहाँ तो मैक्सवेल का लॉ ही फेल हो गया। उसी लॉ को जस्टिफाई करने के लिए बोर्ड ने ये एजम्पशन लिया कि इनफाइनाइट्स ऑर्बिट होते हैं, ये पक्की बात है कि इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन एक ऐसे खास तरीके की ऑर्बिट में घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसे खास तरीके की ऑर्बिट में घूम रहा होता है जिस ऑर्बिट में वो एक्सेलरेटेड होने के बावजूद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा होता है। आई बात समझ में, उसी ऑर्बिट्स का नाम उसने दिया
स्टेशनरी ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट को बोर्ड ने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी कि एक खास तरीके का ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड तो होगा बट वो मैक्सवेल इक्वेशन की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। ये बोर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट था। तीसरे पॉस्टुलेट की बात की जाए, देखना क्या है तीसरा पॉस्टुलेट, देखो द इनर्जी ऑफ एटम हैज डिटरमाइंड वैल्यू, हाँ द इनर्जी ऑफ एटम इज डिटरमाइंड वैल्यू इन द स्टेशनरी ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन। हाँ देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का एक खास ऑर्बिट में घूम रहा है तो इनर्जी उसी ऑर्बिट के हिसाब से अपन डिफाइन करेंगे, उस ऑर्बिट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपन डिफाइन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनर्जी लेकर, समझना, अब ये कुछ खास ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके साथ में दो तीन स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये सारा स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, यहाँ एक ऑर्बिट है, बहुत सारे ऑर्बिट है। तो तीसरा एजम्पशन क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये हो सकता है कि ये कुछ एनर्जी लेकर, बाहर से कुछ एनर्जी लेके किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट से किसी दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में कूद जाए, मतलब लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में कूद जाए, या फिर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करकर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में भी कूद सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में भी कूद सकता है और एनर्जी लूज करकर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में भी आ सकता है। तीसरा एजम्पशन यही था, जब भी ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर किसी हायर ऑर्बिट में जा रहा होगा या किसी एनर्जी को देकर किसी लोअर ऑर्बिट में आ रहा होगा, जो इन दो एनर्जी के बीच का गैप होगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से, यहाँ एनर्जी है मेरी E1, वो पहुंच गया इस एनर्जी में E2 में, तो ऑब्वियस सी बात है E2 की वैल्यू E1 से कम होगी क्योंकि ये जब हायर ऑर्बिट से वो लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा। तो एक्चुअली उसने क्या किया, एक लेमडा वेवलेंथ का, एक खास लेमडा का वेवलेंथ का फोटोन रिलीज किया हायर ऑर्बिट से जब वो लोअर ऑर्बिट में आया। इस फोटोन का जो लेमडा होगा, जो इस फोटोन की एनर्जी होगी वो दोनों बैंडों की, दोनों ऑर्बिटों की एनर्जी गैप के बराबर होगी। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो E1 माइनस E2 की वैल्यू होगी, जो E1 माइनस E2 की जो गैप आया, जो एनर्जी का गैप आया, या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गया जो एनर्जी का गैप आया, वो गैप जो होगा वो SC/लेमडा के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से तुम ये बोल सकते हो लेमडा विल बी SC/E1 माइनस E2। जो एनर्जी का गैप होगा ना, जो एनर्जी का गैप होगा वही एनर्जी का गैप का एक फोटोन वो रिलीज करेगा, उस फोटोन की एनर्जी होगी SC/लेमडा और SC/लेमडा वो एनर्जी के गैप के बराबर होगा। मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो फोटोन रिलीज करेगा और लोअर ऑर्बिट से वो हायर ऑर्बिट में जाएगा तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। तीसरा पॉस्टुलेट बोर्ड का ये था। वही सब वो लिखा है, इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सम सोर्स एंड जंप्स टू लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, लोअर से हायर में जा सकता है एब्जॉर्ब करके और हायर से लोअर में आ सकता है फोटोन रिलीज करके। ये तीसरा पॉस्टुलेट था। चौथा पॉस्टुलेट क्या था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट है वो है पॉस्टुलेट नंबर 4th। अब सुनना क्या बोला उसने, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये हमारा वर्किंग इक्वेशन होगा, इसे सुनना। उसने बोला इन स्टेशनरी ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस स्टेशनरी ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, MVR होता है, याद है R×MV, L बराबर R×MV, रोटेशन में पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है किसी पॉइंट के अबाउट किसी पॉइंट मास का R×MV। तो इसने क्या बोला कि उस स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट न्यूक्लियस, यानी कि सेंटर पॉइंट मेरा क्या है न्यूक्लियस, किसके अबाउट बात करनी है, न्यूक्लियस के अबाउट बात करनी है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई 2π। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा होगा वो ऑर्बिट में जो उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस, यानी कि सेंटर पॉइंट के अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट इस इलेक्ट्रॉन का, इस पॉइंट O के अबाउट इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा L कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ N h/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जहाँ N इंटीजर हो सकता है, इट कैन बी
1, 2, 3, 4 एंड इंटीग्रल, इंटीग्रल में तो 1, 2, 3, 4 ऐसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का, यानी कि जो यहां इसका एंगुलर मोमेंटम है क्या, इसका एंगुलर मोमेंटम है mvr, जो mvr यहां पर होगा इस o पॉइंट के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम होता है क्या, r cross mv, ये जो होगा 90 बन रहा है दोनों के बीच में, तो rmv sin 91 हो गया, तो जो एंगुलर मोमेंटम mvr है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, n बताएगा कि किस सेल में है, अगर वो सेल नंबर 1 में है तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम होगा h अपॉन 2 पाई, सेल नंबर 2 में है तो वहां एंगुलर मोमेंटम होगा 2h अपॉन 2 पाई, 3 में है तो 3h अपॉन 2 पाई, यानी कि एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का, कभी ऐसा नहीं होगा कि एंगुलर मोमेंटम 0.5 h upon 2 pi हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है 2.5 h upon 2 pi हो जाए, नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट मेरा ये था बोर मॉडल का। अब इनको ध्यान में रखते हुए, इन पोस्टुलेट को ध्यान में रखते हुए हम अब एक एक चीज, यानी कि एनर्जी एनर्जी सारा कुछ अपन बोर मॉडल का डिफाइन करेंगे सब कुछ। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, बोर मॉडल की एनर्जी इक्वेशन सब कुछ अपन डिराइव करते हैं, ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। अब अपन बोर मॉडल की एनर्जी एवं उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। अब एनर्जी की पहले बात करते हैं, चलो एनर्जी डिराइव करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बोर मॉडल जो था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए वैलिड था। आप तुमने बोला ये क्या बोला है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम, मतलब बोले तो जैसे हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन था, वो हाइड्रोजन वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन टाइप एटम के लिए वैलिड था। जैसे तुमने बोला कि अगर मुझे हीलियम का करना हो तो हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हीलियम का क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो कितना बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। यानी कि बोर मॉडल वैसे ही एटम के लिए वैलिड है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस बात का ध्यान रखना, यानी कि एल आई प्लस वन या एच ई प्लस टू हीलियम, सॉरी एल आई प्लस टू और एच ई प्लस वन, हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो एक बचेगा, लिथियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो एक बचेगा। यानी कि बोर मॉडल जो है वो ऐसे ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए वैलिड है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए बोर मॉडल था ही नहीं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए बोर मॉडल तो था ही नहीं, तो बोर मॉडल ने सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के रिस्पेक्ट में सारा कुछ डेरिवेशन किया था। यानी कि अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तीन में से तुम दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो प्लस टू ई आ जाएगा, तो प्लस टू ई वाले लिथियम के लिए ही बोर मॉडल होगा, न कि एल आई प्लस वन या एल आई के लिए होगा, आई सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके पूरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हर पूरे एटम के अंदर, ठीक है। तो बोर मॉडल में पहले तो अपन एनर्जी की बात करते हैं, तो चलो अपन सबसे स्टार्ट करते हैं कि भाई मेरा एक जनरलाइज करते हैं, अपने चीजों को जनरलाइज करते हैं कि भाई मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक नंबर अगर जेड है, एटॉमिक नंबर अगर जेड है यानी कि उसके पास जेड प्रोटोन है, जेड प्रोटोन तो सेंटर के पास कितना चार्ज होगा, सेंटर के पास जेड ही चार्ज होगा। मैंने बोला वो किसी nth सेल में घूम रहा है, किस सेल में घूम रहा है, nth सेल में घूम रहा है, nth सेल में एक इलेक्ट्रॉन मस्त बैठ के चक्कर लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी v है, कुछ रेडियस r है, अपने को सब कुछ बताना है, रेडियस ही बताना है अपने को, अपने को वेलोसिटी बतानी है, अपने को सब कुछ बताना है, इसका काइनेटिक एनर्जी बतानी है, अपने को पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, टोटल एनर्जी बतानी है, मतलब मैक्सिमम जो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बता सकते हैं वो सब कुछ बताना है। सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा कि यार ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी nth सेल में वेलोसिटी वी से, जिस सेल का रेडियस आर एन मान लो और उस सेल में वेलोसिटी उसकी वी एन मान लो, ये कुछ ऐसा कंडीशन चल रहा है। मैंने बोला ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब भी कोई बॉडी दुनिया में जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसका नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होता है जो कि उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होता है। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा जिस फोर्स की वैल्यू होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोले तो एम वी स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड कर रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड कर रहा होगा, वही nth सेल का जो रेडियस होगा यहाँ आर एन होगा और nth सेल की वेलोसिटी वी होगी, एफ नेट बराबर एम इंटू ए, ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर, कितना फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, आगे फोर्स लगा कौन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के क्यू वन, क्यू वन बोलते सेंटर पे न्यूक्लियस का चार्ज, जेडी
इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन दूरी बोले तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तुम अगर गौर से देखो तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक आर से एक आर कट गया, तो यहां से मेरा आ गया के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू एम, एम को नीचे है, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। इक्वेशन देखना बस, ये इसको रखो इक्वेशन नंबर वन, इसको रखो इक्वेशन नंबर वन। अब मुझे रेडियस भी निकालना है, मुझे वेलोसिटी वी भी निकालनी है, बट इक्वेशन मेरे पास एक ही है। अब एक इक्वेशन से दो चीजें तो नहीं निकाल सकते, मतलब मुझे एक इक्वेशन और चाहिए। तो सबसे रामबाण इक्वेशन था वो था पोस्टुलेट नंबर थ्री, जो मैंने भी बताया था तुम्हें कि जो भी अगर ये nth सेल में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो nth सेल का जो एंगुलर मोमेंटम एल का होगा, जनरली सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, MVR होता है। ये जो एंगुलर मोमेंटम MVR है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h अपॉन 2 पाई का, यानी कि nth सेल में अगर वो घूम रहा है तो nth सेल में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nh अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। अगर ये चीज नहीं पॉसिबल होता ना तो वो उस सेल में नहीं घूम पाता। ये बोर्ड का पोस्टुलेट था, ये बोर्ड का एग्जम्पशन था जो अपने को मान के चलना है, ये मान के चलना है। यानी कि अगर तुम यहां से एक चीज देखो, तो यहां से अगर तुम एक चीज देखो, तुम्हें जो रेडियस की वैल्यू आ गई जो एम आर इज इक्वल्स टू एन एच डिवाइडेड बाई एम वी, आर इज इक्वल्स टू एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई एम वी। इस रेडियस को वहां डाल दो, इस रेडियस को वहां पर डाल दो। जैसे तुमने रेडियस को वहां पर डाला, जैसे तुमने रेडियस को वहां पर डाला, देखना के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर, एंड व्हाट इज रेडियस, एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई एम वी, दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लेना, जब तुमने इतना कुछ किया, यहां से एम कट गया, यहां से वी और एक वी कट गया, तो वी की वैल्यू कुछ आ गई, के को लिख दो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे तुमने के की वैल्यू लिखी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे में आ गया एन एच, ऊपर में आ गया जेड ई स्क्वायर 2 पाई इज इक्वल्स टू वी। यहां से ये काटो 2 टाइम्स में, तो वेलोसिटी जो मेरा आ गया जेड ई स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट एन एच, जेड ई स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट एन एच, यानी कि ये मेरी वेलोसिटी आ गई उस nth सेल में जेड एटॉमिक नंबर वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम का वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सेल नंबर। यानी कि v अगर देखा जाए तो e तो कॉन्स्टेंट है, टू एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, एच का यहाँ पे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, वी इज प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है जेड अपॉन एन के। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो तुम्हें याद रखना है। अब तो मैं वेलोसिटी की बात कर लिया, बट चलो पहला इक्वेशन मेरा वेलोसिटी का निकल गया। अब मैं बात करता हूं रेडियस का, ये किसका इक्वेशन है, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। अब मैं इक्वेशन बात करता हूं रेडियस का, रेडियस का निकालने के लिए इस वेलोसिटी वाले इक्वेशन को वहां डाल दो, ये वहां नहीं डालोगे तो यहां डाल दो, कहीं भी डाल दो। जैसे तुमने यहां डाला दिस आर इज इक्वल्स टू, यहां पे इसको डालो एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई एम वी, एंड व्हाट इज वेलोसिटी, जेड ई स्क्वायर ऊपर में चला गया टू एप्सिलॉन नॉट एन एच। अगर देखा जाए तो टू से टू कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन देखते रहना बस, कैलकुलेशन देखना। जैसे तुमने टू से टू को किया कैंसिल, तुम्हारा इक्वेशन क्या बचा, रेडियस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम इंटू जेड ई स्क्वायर। यानी कि मेरा जो रेडियस आया आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, एन स्क्वायर बाई जेड।
रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एन स्क्वायर बाई जेड के। यानी कि तुम अगर देखो तो हमने वेलोसिटी भी निकाल ली, हमने रेडियस भी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एन एंड जेड। अब इतना निकालने के बाद अब अपना बात क्या बचता है, अपना बात बचता है कि वेलोसिटी और रेडियस के बाद अपना बचता है इनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फिर सेलों की एनर्जी। इन सभी का अपन बात करेंगे बोर्ड मॉडल में ही, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।